चुनाव आते ही सभी नेता वोट बैंक साधने में जुट जाते हैं। कोई जाति तो कोई धर्म के आधार पर वोट मांगता है, लेकिन इस बार के चुनाव में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अहम भूमिका निभा रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के दिग्गज नेता धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में जाकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां महज कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा दाव खेलते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपने गढ़ में दरबार लगाने की अर्जी लगाई है। मंच सज गया है, तैयारी पूरी की गई है, बस बाबा के कथा सुनाने का इंतजार किया जा रहा है। 5 से 7 अगस्त को बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। बाबा ने जानकारी खुद साझा की है। कथा में 2 लाख भक्तों के आने की उम्मीद बताई गई है। छिंदवाड़ा में यह कथा कमलनाथ की वजह से हो रही है। नेता इसे चुनावी चश्मे से देख रहे हैं, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ये चुनावी हिंदू है, ये कांग्रेस के जितने लोग हैं ये इच्छाधारी हिंदू है। ये कथा की बात, मंदिर मंदिर जाने की बात, इनको सिर्फ चुनाव में ही याद आती है। चुनाव समाप्त, इनके मंदिर समाप्त हो जाते। अच्छा बताइए, अभी पिछले 4 साल में इनने कथा क्यों नहीं कराई थी, अभी क्यों करा रहे? अब जैसे हम कथा दतिया में करा रहे, बरसों से करा रहे, लगातार करा रहे पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम, आपको अभी याद क्यों है? जिस पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा, हम मंदिर जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों होता है? छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की रामकथा सिमरिया के हनुमान मंदिर में होगी। अब देखना होगा क्या बाबा की कथा से बदलेगी मध्य प्रदेश की चुनावी पटकथा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।